स्थगित कर घर जाने को प्रस्तुत हुए। क्यों, आपको वार्ता में रुचि नहीं है? ट्यूनिस बेस्ट ने पूछा। ऐसी बात नहीं है। फिर महाराज जी के आज के विशेष अंक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। 21 फरवरी की रात को सुगंधा ने सपना देखा था। पूर्व में पटना की एक आध्यात्मिक महिला प्रोफेसर की चर्चा हो चुकी है कि कैसे बाबा जी उसके यहाँ अपने पूर्व रूप में विराजमान हैं। वह जब से वहाँ पधारे तब से वहीं हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि वह अन्य भक्तों के यहाँ नहीं होंगे। बाबा जी तो अपने जीवन काल में भी एक साथ कई जगह होते थे। 22 फरवरी के दिन में इस महिला ने देखा कि एक बड़े पीतल के चमचमाते थाल में भिगोकर उबले चने जो बहुत ऊंचाई तक भरे हुए थे, ऊपर पत्तों सहित एक छोटा सेव रखा हुआ है। चने के सपने ने सुगंधा द्वारा देखे सपने को संपुष्ट किया। बाबा जी ने इस महिला के माध्यम से स्पष्ट किया कि ठीक है, उन्होंने ही सुगंधा को चने का सपना दिया था। यह महिला और कहीं नहीं तो कैंची धाम आश्रम गई हुई है और उसने देखा है कि वहाँ चने का प्रसाद ही बढ़ता है। उसे यह सपना देखकर बहुत प्रसन्नता हुई, लेकिन इस सपने के भेद का उसे कहाँ पता था। जहाँ तक प्रोफेसर महिला द्वारा चनों के ऊपर नए नए सेव फलों को देखा जाना है, यह इस बात का सूचक है कि बाबा जी बेमौसम के फल भी उत्पन्न करते थे। ऐसी एक घटना का वर्णन पहले हो चुका है जिसमें उन्होंने बेमौसम का आम अपने एक भक्त को प्रसाद के रूप में दिया था। महिला जाने या नहीं जाने, फल के उल्लेख से मैं तो समझ गया कि बाबा जी ने इस बात की पूर्ण संपुष्टि की है कि यह सपना उन्हीं का दिखाया गया है। वह सुगंधा को जानती तक नहीं है और ना सुगंधा की बीमारी के बारे में उसे बताया गया था। पटना से फोन पर उसने अपने इस सपने के बारे में मुझे बताया और मेरा विश्वास पक्का हो गया कि मात्र एक दिन बाबा जी के फोटो के दर्शन और उसे साथ रखने से सुगंधा को जो सपना आया और उसे जीवनदान भी मिल गया है। बाबा नीप करोरी एक बार कानपुर में पधारे थे। सरसैया घाट पर कानपुर में बाबा जी के समर्पित भक्त थे संतोष कुमार चौधरी, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। बाबा जी अन्य भक्तों के साथ उनके आवास पर पहुँचे। श्री चौधरी उन दिनों तक एक कॉटन मिल के नियंत्रक के रूप में स्थापित थे। कार्यालय काल में वह किधर से मिलते, बाबा जी से कोई मिलने ही नहीं गए थे। उनको यह पता नहीं हो कि चौधरी घर में नहीं है, ऐसी बात नहीं, किंतु उनका सारा परिवार बाबा जी का भक्त था, अतः वहाँ पधारने में उन्हें कुछ नहीं सोचना था। घर पर श्रीमती चौधरी ने उनका स्वागत किया, उनके साथ आए लोगों का भी आवभगत किया। पत्नी ने आवश्यक समझा कि पति को भी इस अवसर पर बुला लिया जाए। फलतः श्रीमती चौधरी ने कार्यालय में फोन कर श्री चौधरी को घर पहुंचने को कहा।
श्री चौधरी उस समय मिल के मालिक के साथ किसी गंभीर विषय पर वार्तालीन थे। मालिक का नाम था ट्यूनिस बेस्ट। चौधरी साहब तत्काल वार्ता को स्थगित कर घर जाने को प्रस्तुत हुए। क्यों, आपको वार्ता में रुचि नहीं है? ट्यूनिस बेस्ट ने पूछा। ऐसी बात नहीं है, फिर कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे। महाराज जी की कथा सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। महाराज जी सभी भक्तों पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखें। बाबा जी की कथा सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीब करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीब करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीन हो लोक भयो अंधियारो। ताही सो त्रास भयो जग को, यह संकट काहु सो जात नटारो। ते बन आनी करे बिनती, तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहार।